दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, हम गूगल पर एस्ट्रॉइड लिस्ट को सर्च करते हैं। जब एस्ट्रॉइड लिस्ट को हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर इस वेबसाइट में आप देख सकते हो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखा देगा। आज की डेट में कितने उल्कापिंड हमारी धरती की करीब से होकर गुजरने वाले हैं, कल कितने गुजरने वाले हैं, परसों कितने गुजरने वाले हैं, पूरा एस्ट्रॉइड नियर अर्थ ऑब्जेक्ट NEO की लिस्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे लिस्ट में कितने उल्कापिंड हमारे अर्थ के करीब से होकर गुजरने वाले हैं। वैसे यहाँ पर 15 मार्च को 3 उल्कापिंड दिखा रहे हैं और 16 मार्च को 2022 EF4 नाम का उल्कापिंड हमारे अर्थ के बेहद करीब से होकर गुजरेगा। यहाँ पर इसका आकार को भी, डायमीटर को भी देख सकते हो, 19 मीटर से लेकर 42 मीटर तक का यह उल्कापिंड बड़ा हो सकता है, इसका डायमीटर हो सकता है, यानी कि ये 42 मीटर इसका डायमीटर हो सकता है। आकार में काफ़ी बड़ा है क्योंकि 25 मीटर से बड़ा उल्कापिंड हमारे अर्थ के अंदर नुकसानदायी होता है। तो इसके हम ऑर्बिट पीरियड को देखने वाले हैं कि ये आखिर एग्जैक्टली हमारे अर्थ के कितने दूर से गुजरेगा और किस तरह से हमारे अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा सौरमंडल है, ये हमारा सौरमंडल है और यहाँ पर ये उल्कापिंड और हमारे अर्थ का ऑर्बिट पीरियड और इस उल्कापिंड का ऑर्बिट पीरियड आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ये यहाँ पर मैं इसको देखिए इस तरह से इतनी दूरी से, यानी कि हमारे चांद के ऑर्बिट पीरियड से भी अंदर से इसको क्रॉस करने वाला है, हमारी धरती के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि हमारे धरती का ग्रेविटी फोर्स इसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। दोस्तों ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो हमारे धरती के बिल्कुल नज़दीक से होकर गुजरेगा। मैं इसे और जूम करने की कोशिश करता हूँ तो इसे आप इजीली देख पाओगे। देखिए ये हमारे अर्थ के बिल्कुल नज़दीक से होकर गुजरेगा। 2022 EF4 नाम का यह उल्कापिंड 16 तारीख को, यानी कि कल 16 तारीख को, ये हमारी धरती के 16 मार्च को हमारी धरती के बेहद नज़दीक से होकर गुजरने वाला है। मैं इसे और ये हमारा है मून, हमारा चांद, ये चांद का ऑर्बिट पीरियड है, धरती के चारों तरफ चांद ऑर्बिट करता रहता है और ये है हमारा अर्थ और इसे मैं अब आपको प्ले करके दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे हमारी धरती की। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये उल्कापिंड और हमारा धरती का ऑर्बिट, धरती दोनों आगे अपने ऑर्बिट पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के ऑर्बिट को कैसे क्रॉस करते हैं, बिल्कुल इस नज़दीक से ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। हमारे धरती से लगभग 50,000 या फिर 1,00,000 किलोमीटर दूरी से ये उल्कापिंड गुजर सकता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये दोनों अपने अपने ऑर्बिट सफ़र के लिए निकल जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही एस्ट्रॉइड से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही खतरों से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।